मध्य प्रदेश अपनी स्थापना से लेकर अब तक कई ऐसे पड़ावों से गुजरा है जो आज इतिहास की किताबों में अमिट कहानियों के रूप में दर्ज है। मध्य प्रदेश के 68 साल की महान यात्रा उतार चढ़ाव के कई किस्सों से भरी पड़ी है। कुछ किस्से पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए हैं तो कुछ आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। ऐसे किस्से और घटनाक्रम ही तो राज्य को जीवंत बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इन 68 वर्षों में मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक सफर कैसा रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसके ठीक बाद सन 1951 और 52 में देश में पहले आम चुनाव कराए गए, जिसके कारण संसद और विधानमंडल कार्यशील हुए। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया। साल 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश का पुनर्गठन भाषीय आधार पर किया गया। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थीं। इस राज्य का निर्माण तत्कालीन सीपी एंड वरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ है। इससे पहले मध्य भारत के नाम से भी मध्य प्रदेश जाना जाता था। राजधानी के लिए राज्य के कई बड़े शहरों में आपसी लड़ाई चल रही थी। सबसे पहला नाम ग्वालियर, फिर इंदौर का गूंज रहा था। इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग ने राजधानी के लिए जबलपुर का नाम भी सुझाया था, लेकिन भोपाल में भवन सबसे अधिक थे जो सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त माने जाते थे, और इसी कारण से भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के तौर पर चुना गया। भोपाल के नवाब तो भारत से संबंध ही नहीं रखना चाहते थे, वो तो हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर भारत का विरोध करने में लगे हुए थे। देश के हृदय स्थल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भोपाल को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ साथ राजधानी की भी स्थापना हुई। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का 68 वर्षों का ऐतिहासिक सफर रहा है। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। 68वां स्थापना दिवस है। इन 68 वर्षों में मध्य प्रदेश ने प्रगति और विकास की एक लंबी मंजिल तय की है। मुझे याद है 2003 में जब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संभाला था, तब मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपया हुआ करती थी, आज बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई। मध्य प्रदेश का बजट कुल 23,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, आज हम उसको बढ़ा के 3,14,000 करोड़ रुपया तक ले गए हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज कुल 71,000 करोड़ था, अब वो लगभग 15,00,000 करोड़ के आसपास पहुंच रही है।